अब कुछ सियासी खबरों का रुख करेंगे। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी भी चरम पर पहुंच गई है। बुधवार को जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने उपचुनाव में 20 से लेकर 22 तक सीटें जीतने का दावा ठोक दिया, तो वहीं आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के इस दावे का शायराना जवाब देते हुए कहा है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। उपचुनाव में कितनी सीटों की अपेक्षा करते हैं? हम तो बहुत सारी सीटों की अपेक्षा करते हैं, कम से कम हमारी 20-22 सीटें आएंगी। दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाले, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाले, जनता को धोखा देने वाले, सारी योजनाएं बंद करने वाले, इस तरह के दावे करें तो हंसी के अलावा और क्या है। तो चलिए इस बयानबाजी पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी से। शरद जी, बशीर साहब का एक शेर है, दुश्मनी के सफर में एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे, लेकिन सर सियासत के सफर में थमने का नाम ही नहीं लेता कोई। सियासत के सफर में अगर आप थके तो आप मैदान से बाहर हो जाते हैं जी, और इसलिए वहाँ दुश्मनी शब्द जरूर प्रयोग में नहीं किया जाता, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि प्रतिद्वंदिता जो रहती है उसको जमकर टक्कर होती है उसको लेकर, और जमकर दांव प्रतिदांव चले जाते हैं, और यही स्थिति है। कांग्रेस इस उम्मीद में है कि विश्वासघात का कार्ड वो उपचुनाव में सामने रखेगी और बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब होगी, और बीजेपी की कोशिश ये है कि वो कांग्रेस सरकार के 15 साल के शासन की तथाकथित नाकामियों को प्रस्तुत करे, और नाकामियों को प्रस्तुत करते हुए वो कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब। शिवराज जी का अंदाज बहुत ही संतुलित होता है, संयमित होता है, और यही वजह है कि उनका जो शायराना अंदाज है वो अपनी बात भी कह जाता है, लेकिन कोई ऐसी चोट भी नहीं करता कि जिस चोट से कमलनाथ जी तिलमिला जाए या परेशान हो जाए। ये जिम्मा बीजेपी में दूसरे आक्रामक बल्लेबाजों ने और सरकार में नंबर दो का दर्जा रखने वाले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा संभाल कर रखते हैं, और ये पूरा आक्रामक बल्लेबाजी के जरिए निशाने साधने का काम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और कमल पटेल इन दिनों संभाल रहे हैं, और ये बहुत अच्छी रणनीति है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक मृदुल मुस्कुराहट के साथ शेरो शायरी के अंदाज में विपक्ष पर तंज कसते हैं, और उन्हीं की टीम के दो आक्रामक बल्लेबाज बहुत तेजी से हमले बोलते हैं कांग्रेस पर। तो बीजेपी बिल्कुल अपनी रणनीति के हिसाब से चल रही है। जहां तक बात है कांग्रेस की, तो कांग्रेस में कमलनाथ भी बहुत तीखी और अप्रिय शब्दावली से बचते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई आक्रामक बल्लेबाज कांग्रेस की तरफ से सामने आए ये रणनीति अभी तक कांग्रेस की हमने पूरी होते हुए देखी नहीं। जीतू पटवारी जरूर मोर्चा खोल कर चल रहे थे, लेकिन अभी कोई और बल्लेबाज कांग्रेस की तरफ से सामने नजर आता दिखा नहीं। जी शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो जब भी चुनाव होते हैं बयानबाजी हमें देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और उसी को लेकर बड़े बड़े दावे पार्टियों की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।